आज उम्मीद बैच का आठवां सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे पहले मैं अलजेब्रा का करा चुका हूँ, इसमें सिंप्लीफिकेशन का कराऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SSC यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे में पूछता है सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप लोगों को डाउट होगा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव का, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हो, मैं वीडियो बना के डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो स्वागत है आप सभी का अपना क्यूसा चैनल विशु एकेडमी में। कौन सा टॉपिक आज क्वेश्चन सॉल्व होगा? सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का आज क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे पहले किससे हुआ? इससे पहले एलजेब्रा का हुआ था, तो एलजेब्रा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बेसिक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद लेवल बढ़ते जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या 5 + 5 × 2 / 5 का मान क्या होगा? 5 + 5 × 2 / 5 का मान क्या होगा? NTPC में क्वेश्चन पूछा हुआ है 22/1/2021 में, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बोर्ड मास पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड मास पता नहीं होगा तो आप लोग एक बार बोर्ड मास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिना अगर बोर्ड मास पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 5 + 5 × 2 / 5, ठीक है। अब इसमें बोर्ड मास यूज करेंगे, बी ब्रैकेट इसमें नहीं है तो बी को हटा देंगे, ओ ऑफ नहीं है तो हटा देंगे, डी डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 5 + 5 × 2, अब डिवाइड क्या होता है, अपॉन में आता है तो 5 होगा, 1/5 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 5 + 5 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा गुने 1/5। ये 5 से 10 दो बार में कटेगा तो क्या होगा, 5 + 2। अब क्या है एडिशन, एडिशन क्या है, 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया, बनाइए खुद, वीडियो देखे खुद से बनाइएगा, मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और आप लोग बुक से जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/1 − 2 + 3 का मान क्या होगा, ठीक है। NTPC 22/1/2021 में पूछा हुआ है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, 3/1 − 2 + 3 क्या यूज करना है, क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए, बोर्ड मास आप लोगों को पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें देखेंगे बी ब्रैकेट तो है नहीं, इसको हटा देंगे, ओ ऑफ है नहीं तो इसको हटा देंगे, डी डिवाइड, अब डिवाइड है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3, ये भाग में जाएगा अपॉन में जाएगा, मतलब 1/2 में जाएगा तो क्या होगा, 1 − 2 + 3 को ऐसा ही लिख देंगे। ये जो डिवाइड है ये क्या चला जाता है, 1/2 में चला जाता है, तो 3/1 − 2 + 3 समझ में आया। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, अब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 3 − 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, सॉरी प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे −2 + 3 क्या होता है, 1 होता है। अब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180 / (2³³ + 3²) + 1 + 37 − b = 20 क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180 / (2³³ + 3²) + 1 + 37 − 20 = क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, NTPC 28/2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180 / (2³³ + 3²) + 1 = 37 − 20
ठीक है। यहां भी क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास यूज करेंगे। बोर्ड मास पता होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, अब यहां ये बी ब्रैकेट, पहले क्या है बी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या है इसमें ब्रैकेट में क्या है 180 भागा, ठीक है 180 भागा ब्रैकेट में क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 1, समझ में आया। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है प्लस 1 होगा, ठीक है समझ में आया। अब चलिए क्या है आगे, प्लस 37 माइनस 20, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 × 10 = 18 होगा। अब इस भाग में दिया हुआ है तो क्या होगा बट्टा में चला जाएगा, ये भाग में दिया होता है क्या होता है बट्टा में चला जाता है, तो 180 ये कितना आया 18 है, तो बट्टा में 18 प्लस 37 माइनस 20, ठीक है समझ में आया तक। अब क्या करेंगे ये कट जाएगा 18 से 180 कितना 10 बार में, ठीक है। अब 10 को 37 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 47 होगा माइनस 20 होगा, ठीक है। ऑफ नहीं है डिवाइड ब्रैकेट के सॉल्व कर लिए, फिर ऑफ पर नहीं है तो ऑफ छोड़ दिए, डिवाइड डिवीजन किए भाग दिए, ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं है छोड़ दिए, एडिशन तो एडिशन जोड़ दिए, 37 प्लस 10 47 माइनस, अब क्या है सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 47 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 27 होगा, 27 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है ए है क्वेश्चन, आंसर समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। आइए एक बार समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह दिया, 180 भागा ब्रैकेट में 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 दिया हुआ है, अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास यूज करेंगे, अब पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यूज करेंगे तो क्या होगा 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 9 होगा प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20, तो क्या 180 भाग पहले देना है, ऑफ नहीं है तो आपको छोड़ देंगे, डी क्या है डिवाइड है, डिवाइड करेंगे भाग देंगे, तीनों को जोड़ा था क्या 18 आया, 18 180 में 18 से भाग देंगे तो क्या होगा 10 आया, फिर 10 प्लस 37 माइनस 20, अब मल्टीप्लाई नहीं है जिसको भी छोड़ देंगे, एडिशन है तो एडिशन किया क्या 10 प्लस 37 47 आया माइनस 20, उसके बाद क्या सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन किया क्या है 27 आया, ऑप्शन नंबर ए। एनटीपीसी 28/12/2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है 12 प्लस 8 माइनस 5 गुने 1 बटा 2 गुने 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 45 भागा ब्रैकेट में क्या है 34 माइनस 19, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया है, इसका बराबर क्या होगा इक्वल क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 7/1/2021 में पूछा हुआ है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तो ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। यहाँ भी क्या यूज करेंगे बोर्ड मास यूज करेंगे, क्या बोर्ड मास यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है 12 प्लस 8 माइनस 5 गुने 1 बट्टा 2 गुने 12 माइनस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 45 भागा ब्रैकेट में क्या है 34 माइनस 19 फिर ब्रैकेट बराबर क्या होगा, यहां क्या यूज करेंगे बोर्ड मास यूज करेंगे, क्या बोर्ड मास। चलिए अब क्या पहले क्या दिया हुआ है ब्रैकेट दिया हुआ है तो क्या ब्रैकेट को यूज करेंगे पहले सॉल्व करेंगे, सॉरी क्या पहले क्या दिया हुआ है ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट के पहले सॉल्व करेंगे, क्या है 12 प्लस 8 इसको ऐसे ही रहने देंगे 8 माइनस 5 भागा 2 गुने 15 माइनस, पहले छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर बड़ा वाला को, तो क्या है ब्रैकेट में 45 भागा अब 34 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 34 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 15 होगा, तो 15 ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। अब क्या है फिर इसको ऐसे लिखेंगे 12 प्लस 8 माइनस 5 भागा 2 5 बट्टा 2 सॉरी गुने 15 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 से 45 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो माइनस 3 हो जाएगा, ये समझ में आया कैसे है 45 में भाग देंगे 15 से तो क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व हो गया, ऑफ नहीं दिया हुआ है, अब डिवाइड, अब इसमें डिवाइड भी नहीं दिया हुआ है, डिवाइड नहीं दिया हुआ है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा अब देखिए यहां मल्टीप्लाई में कट जाएगा 2 से 12 6 बार में, तो क्या होगा 12 प्लस
आठ माइनस पांच, आठ माइनस अब गुना करेंगे तो क्या हो, छह पच्चीस तीस माइनस तीन, समझ में आया। अब क्या है इसमें एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बारह प्लस आठ क्या होगा बीस होगा, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा तैतीस हो जाएगा, ठीक है। माइनस तीस माइनस तीन क्या होता है माइनस तैतीस होता है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में बीस में से माइनस तैतीस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस तेरह होगा, ठीक है। क्या होगा माइनस तेरह होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और बता देता हूं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बारह प्लस आठ माइनस पांच गुने एक बट्टा दो गुने बारह माइनस बड़ा ब्रैकेट में क्या है पैंतालीस भागा, फिर छोटा ब्रैकेट में क्या है चौंतीस माइनस उन्नीस, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या पता होना चाहिए बोर्ड मार्क, तो पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है पहले छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या चौंतीस में से माइनस करेंगे उन्नीस को तो क्या होगा पंद्रह होगा, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पैंतालीस भागा पंद्रह क्या होता है तीन होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या आता है ऑफ आता है, इस क्वेश्चन में कहीं ऑफ दिया नहीं है, उसके बाद क्या आता है डिवाइड आता है, तो डिवाइड अभी तो सॉल्व हो गया है कहीं दिया नहीं है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ था यहाँ पे पांच बट्टा दो गुने बारह दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो दो से बारह छह बार में काटे तो क्या है मल्टीप्लाई करें पांच में छह से तीस आया, ठीक है। इसको ऐसे ही रख देती है। अब उसके बाद क्या आता है एडिशन आता है, एडिशन में क्या किए बारह प्लस आठ कितना बीस होता है माइनस तीस और माइनस तीन क्या होता है माइनस तैतीस होता है, तो क्या बचा बीस माइनस तैतीस, तब सब्ट्रैक्शन किए तो क्या आया बीस माइनस तैतीस बराबर क्या होता है माइनस तेरह होता है, समझ में आया। ये भी एनटीपीसी 7/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अब लेवल आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ पांच पूर्णांक तीन बटा नौ भागा तीन पूर्णांक एक बटा चार गुने सात पूर्णांक पांच बटा सोलह प्लस सात बटा आठ गुने सोलह बराबर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 5/3/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन में। यहां क्या यूज करेंगे बोर्ड मास, क्या यूज करेंगे बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन अगर सॉल्व करना है तो आप लोगों को बोर्ड मास पता होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है पांच पूर्णांक तीन बटन नौ, क्या दिया हुआ है पांच पूर्णांक तीन बटन नौ भागा तीन पूर्णांक एक बटा चार गुने सात पूर्णांक पांच बटन सोलह प्लस सात बटा आठ गुने सोलह दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो पहले ये सबको सॉल्व कर लेते हैं, जो यहाँ दिया हुआ पांच पूर्णांक तीन बटा नौ ये सब दिया, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर बोर्ड मास पे चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है गुना आ जाता है, अब प्लस में ये पूर्णांक जो दिया हुआ है ये ऐड हो जाता है, ठीक है। क्या नौ पचे पैंतालीस और तीन क्या होगा अड़तालीस बट्टा नौ होगा भागा क्या है फोर में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बारह एक क्या होगा तेरह बट्टा चार गुना, अब सोलह में सात से गुना करेंगे तो क्या होगा एक सौ बारह या पांच एक सौ सत्रह होगा, एक सौ बारह पांच एक सौ सत्रह बट्टा सोलह प्लस सात बट्टा आठ गुने सोलह। अब आइए बोर्ड मार्क्स पे, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट बी दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे ऑफ, अब भी नहीं दिया हुआ है तो इसको भी छोड़ देंगे डी डिवाइड, अब डिवाइड यहां दिया हुआ है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अड़तालीस बट्टा नौ गुने में होगा तो क्या चार ऊपर जाएगा तेरह नीचे आएगा, ठीक है। अब गुने में क्या है एक सौ सत्रह प्लस सोलह प्लस सात बट्टा आठ गुने सोलह, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहां देखिए आठ से सोलह दो बार में कटेगा, चार से सोलह कितना बार में कटेगा चार बार में कटेगा, ठीक है। ठीक है यहां पे आठ से दो आठ से सोलह कितना बार में कटेगा दो बार में कटेगा, चार से सोलह चार बार में कटेगा। अब यहां देखिए तेरह से सत्रह कितना बार में कटेगा नौ बार में कटेगा, ये नौ से नौ कट जाएगा तो क्या बच्चा यहाँ पे चार से अड़तालीस कितने बार में कटेगा एक दो बारह बार में कटेगा तो क्या बच्चा बारह प्लस सात दूना चौदह, बारह प्लस चौदह कितना हुआ छब्बीस हुआ आंसर,
इसके कितने हुए आंसर 26, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्वेश्चन समझ में आया क्या किए कैसे किए? ये भी एनटीपीसी 5/3/2021 पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।